शेख शाहजहां की गिरफ्तारी की मांग को लेकर भाजपा करने लगी धरना, किया थाने का घेराव। जी हां, पश्चिम बंगाल में भाजपा ने गुरुवार को तृणमूल नेता शेख शाहजहां की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बशीरहाट के नजात थाने का घेराव अभियान चलाया। आपको बता दें, संदेश खाली में ईडी पर हमले को 6 दिन बीत गए हैं। अब तक आरोपी तृणमूल नेता शेख शाहजहां को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। पुलिस ने छोटे स्तर पर केस दर्ज क्यों नहीं किया, इसके विरोध में बीजेपी ने आज संदेश खाली में नजात पुलिस स्टेशन के घेराव का आह्वान किया है। पुलिस के रोकने पर सुकांत मजुमदार ने सड़क पर बैठकर इसका विरोध जताया, वहीं नारेबाजी करने लगे, गिरफ्तारी की मांग की। नजात थाने के 1 किलोमीटर पहले तक धारा 144 लागू कर दिया गया था। बीजेपी नेता और कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने लगे। इस दौरान पुलिस के साथ उनकी काफी धक्का मुक्की भी हुई। सुकांत की जवाबी शिकायत यह है कि महिला पुलिस कर्मियों को प्राथमिकता दी गई है ताकि हम आगे न बढ़ पाए। আজকে পশ্চিমবঙ্গ জিহাদিদের প্লেইং গ্রাউন্ডে हम यहाँ पे पुलिस के सामने भरा है। 5 लोग जाएंगे, 144 के अंदर 5 लोग जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं जा सकते। पुलिस 2 आदमी के लिए बोला है, हम 2 आदमी हम यहाँ पे बैठे रहेंगे, जितना देर तक हो नहीं होगा बैठे रहेंगे। आगामी कर्मसूची ওদের কার্যকর্তারা, তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যকর্তারা বলছে এই বাইক নিয়ে আজকে সকালে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, এই উনি এখানেই আছেন, তো তারা তাদেরকে ধরুক। যারা বলছে এখনই দেখলাম এইখানে পার হয়ে গেল, দেখুক তার মানে তো এখানে লোকালেই আছে, পুলিশ পাচ্ছে না লোকালেই আছে, আর তৃণমূলের লোকেরা বলছে এখানে রয়েছে। কারা পারবে তাহলে, আপনারা কারা চান, মানে সাজানি গ্রেপ্তার চান? তো অবশ্যই চাই, আমি কেন, এখানে সন্দেশখালী নাজাটের 100% মানুষ যারা তৃণমূল করে তারাও চায় ওর অ্যারেস্ট। কিন্তু তাহলে কে করবে? পুলিশ পারবে না, কারা পারবে? দেখুন দেখুন আগামী দিন দেখুন কি হয়। তাহলে কি কেন্দ্র বাহিনী বলছেন আপনি? দেখুন আমি বলতে যাইছি না, দেখুন নিশ্চয় কিছু ব্যবস্থা হবে, সবটা তো ক্রমশ প্রকাশ্য। আমি কৃষ্ণ, তাহলে কিসের লোকানোর জন্য দাদা, কি লোকানোর জন্য সাজানের বাড়িতে হলো তারপরে এই ঘটনাটা ঘটলো? এটা পুলিশ ভালো বলতে পারবে কি জন্য, আর তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা বলতে পারবে।